ट्रेन का चार्ट तैयार होने के बाद या ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज शो होता है कि आप अगर आप इस टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से TDR फाइल कैसे कर सकते हैं। TDR फाइल करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, वो ये कि अगर आप TDR फाइल करना चाहते हैं और जो है अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं अपनी टिकट का, तो आपको अपनी उस टिकट को कैंसिल नहीं करना है। अगर आप कैंसिल कर देंगे अपनी टिकट को तो उसके बाद आप TDR फाइल नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और आपको अपनी टिकट को कैंसिल नहीं करना है बल्कि आपको TDR फाइल करनी है। तो TDR फाइल कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आप चाहें तो IRCTC की एप्लीकेशन भी है, आप अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो IRCTC की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऊपर इस आइकन पर क्लिक करना है और अपने IRCTC अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, जिस अकाउंट से आपने अपनी टिकट बुक करी थी। अगर आपने किसी और से टिकट बुक करवाई है तो आप उसकी ID लॉगिन करें, क्योंकि जिस ID से टिकट बुक हुई है उसी ID से जो है TDR फाइल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है ID और पासवर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो इमेज वाला कोड है, ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे साइन इन बटन पर क्लिक करना है। ओके, अभी आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स पे ये 3 लाइन्स इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको माई अकाउंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा TDR फाइल TDR का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फाइल TDR बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पर टिकट आपने अभी वर्तमान में है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको जिस भी टिकट का TDR फाइल करना है आपको उस पर क्लिक करना है एक बार। तो यहाँ पर ये वाली टिकट है, इसका हम TDR फाइल करेंगे, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। अभी आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके जितने भी पैसेंजर होंगे उस टिकट में उन सभी के नाम आ जाएंगे। तो अगर आपके पैसेंजर एक से ज़्यादा हुए तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट का एक ऑप्शन भी मिल जाएगा बॉक्स, तो आप जो है उस बॉक्स पर क्लिक करके उन सभी लोगों की टिकट को सिलेक्ट कर लें, उन सभी लोगों को सिलेक्ट कर लें जिनकी टिकट आप कैंसिल करना चाहते हैं या जिनके लिए आप TDR फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमें नहीं मिला है। अगर आपकी टिकट में एक से ज़्यादा व्यक्ति हुए तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको रीज़न सिलेक्ट करना है कि आप जो है TDR फाइल क्यों कर रहे हैं या आप किस कारण से इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाए या कर पा रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कारण आ जाएंगे। आपका जो भी कारण रहा हो जिसकी वजह से आप इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो कारण यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक कारण हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो है फाइल TDR बटन पर क्लिक कर देना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अभी देखिए हमारे सामने अभी ये ऑप्शन हमें मिला है कि आप किन किन लोगों की टिकट कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी टिकट में एक से ज़्यादा बंदे हुए यहाँ पर तो उनके नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे जो फाइल TDR का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज हो जाएगा, आपको यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं मैसेज शो हो गया है कि आपकी TDR फाइल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी अगर IRCTC कर्मचारियों को लगा कि आपका कारण जो है वो वैलिड है तो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो वापस सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से TDR फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।